ये 4 साल पहले की घटना है जी। वीडियो में जो है वो मेरी एक बॉयफ्रेंड थी और ये वीडियो बनाया गया था, ये मेरा बचपना था, दोनों की मर्जी से ये वीडियो बना था और ऐसा नहीं सोचा गया था, ये चीजें नहीं था कि इसको वायरल करना था और ये चीजों को ये आपकी मर्जी से वीडियो बनाया ना। हाँ, दोनों की मर्जी से ये वीडियो बना था। ये शेयर कैसे हुआ फिर, ये जब 3-4 साल पहले का है ये वीडियो तो आज? जब ये लड़का से मेरा ब्रेकअप होता है उसके बाद मेरे लाइफ में एक लड़का आता है जी, और कभी शादी वादी सब कुछ तय हो जाता है उससे, तब मैं इस इंडस्ट्री में थी भी नहीं इतने, मतलब अच्छे से आई भी नहीं थी इस इंडस्ट्री में, मेरा फोन टून वो सारे कुछ चेक करता था, मुझे नहीं पता ये कहाँ से हो गया है और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, मैं खुद तो इस चीज को शेयर नहीं करूंगी। अच्छा, आप बंगाल से हो? हाँ जी। सुना है वहाँ भी प्रशासन और मीडिया गई थी आपके घर पे? हाँ। तो वहाँ से क्या कुछ निकल कर आया सामने? वहाँ पे आपके परिवार कहाँ रहते हैं, आप कहाँ के हो और अभी आप कहाँ पे रहते हो कुछ बताएंगे? मैं कोलकाता प्रॉपर वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ, कोन्नगर मेरा घर हुआ। हाँ। और पटना में आप रहते हो? जी। अच्छा, आपके माता जी और पिताजी कहाँ रहते हैं? कोलकाता रहते, मैं काम भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ तो यही रहना पड़ता है, डेली अप डाउन थोड़ी कर पाएंगे, तो 3 साल से मैं यहीं पे हूँ और मैं 3 साल से यहीं पे हूँ, तो ये 3 साल पहले की घटना है जब मैं पटना रहने नहीं लगी थी, इसके पहले की घटना है। इसमें क्या ओपिनियन है आपके माता पिता जी का, वो वीडियो उनसे बात हुई है आपके? आपसे बात तो हुई है, जो सुनना था तो मैंने सुना ही, और मम्मी मेरी यही बोली है कि जो किया है उसको सजा मिलना चाहिए, मेरा गलती का सजा तो, मेरा बचपना का सजा तो मुझे मिल गया, लेकिन जो गलती किया है उसका सजा मिलना चाहिए। तो किसने गलती किया? मैंने नहीं किया और मुझे यही जानना है कि कौन किया है। आप क्या मांग करती हैं, मतलब बिहार प्रशासन से, पटना प्रशासन से क्या आप कहना चाहेंगी, आप मीडिया से, अपने फैंस से? मैं ये चाहती हूँ कि वीडियो सोशल मीडिया में कैसे अपलोड हुआ, कहाँ से हुआ, कौन किया है इस चीज को, ये निकाल करके मुझे बताया जाए और उसको सजा मिलना चाहिए जो ऐसा मेरा लाइफ को स्पॉइल करने का कोशिश किया। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आपके जो फैन है आपको ट्रोल्स कर रहे हैं और ट्रोल के बाद जब आपसे कमेंट कर रहे हैं, तो आप उसमें एक आपका भी एक कमेंट आया कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी सहभागिता है और आपने शायद हिट होने के लिए, एक नाम कमाने के लिए। नहीं, मेरी सवाल